हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आपने धनिक क्रेडिट लाइन मतलब कि फ्रीडम कार्ड ले रखा है और आपने वो रीपेमेंट नहीं किया तो इस कंडीशन में दोस्तों आपके साथ क्या हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पहले कंप्लीट देखना। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना होगा। दोस्तों जैसे ही आप धनी फ्रीडम कार्ड ले लेते हैं, आप अपनी एबिलिटी के अनुसार जितने भी पैसे ले लेते हैं। मैं एग्जाम्पल दूंगा, यदि आपने 10,000 रुपये का ले लिया है और यदि आपकी केवल EMI बोन्स हो चुके हैं तो उससे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप इस महीने नहीं तो उसे आराम से अगले मंथ जमा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 2 या 3 महीने के बाद भी जमा करते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों यदि आपने यूज कर लिया है लेकिन आप बिल्कुल भी उसे पेड नहीं कर रहे हैं, आपने जैसे कि 10,000 की मिली थी और आपने छोड़ दिया पेड करना कि आपने यूज कर लिए और वो पेड नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों इस कंडीशन में आपके साथ क्या हो सकता है। दोस्तों स्टार्टिंग में 2-3 महीने केवल आप पे नॉर्मल कॉल आती है, कुछ नहीं होता है, मैसेज आते हैं, इस तरीके से आपका प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन जैसे ही 6 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं और उन्हें लग जाता है कि यह पेड नहीं करेगा, उस कंडीशन में दोस्तों आपको काफ़ी सारी एक्शन लिए जाते हैं। जैसे कि आपके पास कुछ मेल वगैरह या फ़ोन नंबर पे या आपके व्हाट्सएप नंबर पे या आपको फैक्स पे या आपके मेलिंग एड्रेस पे नोटिस भेजे जाते हैं, जो लीगल नोटिस होते हैं। उनसे होने वाला तो कुछ नहीं है लेकिन उनका आपको जवाब देना होता है। इस तरीके से आपके पास नोटिस आते हैं जो हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट से होते हैं। इस तरीके से आपके पास नोटिस आते हैं, उस नोटिस से कुछ नहीं होता लेकिन उस नोटिस का आपको जवाब देना होता है और वो आपको रिमेम्बर करा देता है कि आपके पास ये अमाउंट है, आपको पेड करना होगा। दोस्तों इस तरीके से आपके पास नोटिस आएगा। दोस्तों यदि आप उसके बाद भी पेड नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर आपको कुछ ऐसी कंडीशन लगा दी जाएगी, जैसे कि आपका एक अकाउंट बना दिया जाएगा, एक नेगेटिव अकाउंट बना दिया जाएगा। जैसे कि आपने कोई 10,000 रुपये का लोन ले रखा है तो उसका एक 10,000 रुपये के हिसाब से एक अकाउंट बना दिया जाएगा और उसमें डाल दिया जाएगा नेगेटिव इफेक्ट। दोस्तों यदि आपका नेगेटिव अकाउंट बन जाता है तो यहाँ पर आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है आगे चल के। जैसे कि नेगेटिव अकाउंट बनते ही आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा तो आपको कोई भी कंपनियाँ, कोई फाइनेंस नहीं होगा, कोई पर्सनल लोन नहीं मिलेगा, कोई ऐप्स लोन नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का आपको लोन नहीं मिलेगा। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे, रीपेमेंट नहीं किएंगे, तब तक आपका नेगेटिव अकाउंट रिमूव नहीं किया जाएगा। जैसे ही आप अपना नेगेटिव अकाउंट हटा देते हैं मतलब रीपेमेंट कर देते हैं तो धीरे धीरे आपका सिविल स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको कोई केस नहीं होएगा, कोई पुलिस नहीं आएगी, कोई रिकवरी एजेंट नहीं आएगा, किसी प्रकार का ऐसा आपके साथ घटना नहीं होने वाली। केवल आपका नेगेटिव अकाउंट बनेगा, इसके बाद आपका सिविल स्कोर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे आप पेड कर देते हैं, रीपेमेंट कर देते हैं तो आपका धीरे धीरे फिर सिविल स्कोर धीरे धीरे सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आप धनी ऐप से लोन लेते हैं तो इस कंडीशन में दोस्तों आपके साथ ये हो सकता है।